अगर आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और आपको एक खाली कमरे में अकेला छोड़ दिया जाए तो जरा सोचिए क्या होगा। क्या आप एक कदम भी आगे बढ़ा पाएंगे? नहीं ना। केवल वो लोग ही जन्म से जो दृष्टिबधित यानी कि जो जन्म से ही नहीं देख पाते हैं वो इस परेशानी को आसानी से समझ सकते हैं। उनकी आंखें तो उनके पास नहीं होती लेकिन भगवान उनकी छठी इंद्री को जागृत कर देते हैं जिससे अपने मार्ग में आने वाली परेशानियों से वो निपट सकें। ये तो हम सभी जानते हैं कि बिना आँखों के खाना पीना चलना फिरना ये सब मुश्किल है। और अगर हम पढ़ने की बात करें तो वो ब्रेल लिपि में ही होता है ताकि हाथों की सहायता से वो अक्षरों को पढ़ सके। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि कोई है जो दृष्टिहीन ना होने के बाद भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधने के बाद भी पूरी किताब को पढ़ सकता है, अब अगर आप समझते हैं कि ये कोई साधु संत या फिर कोई महान व्यक्ति है तो हम आपको बता दें कि ये महज 9 साल की एक छोटी सी बच्ची है जिसका मानना है कि उसकी तीसरी आंख जागृत है और वो अपनी दोनों आंखों पर पट्टी बांधकर तीसरी आंख की सहायता से वो सब कुछ देख सकती है। हम सभी सुपरमैन या फिर शक्तिमान को देखने के बाद खुद में सुपर पावर्स ढूंढने लग जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि क्या पता हमारे अंदर भी कोई नेचुरल सुपर पावर हो, लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं है। सुपर हीरो बनने का हम सभी का सपना केवल एक सपना ही बनकर रह गया है। पर दुनिया में कुछ ऐसे विचित्र लोग भी हैं जिनके अंदर ऐसी पावर्स होती हैं जिनसे वो आम इंसान से कई गुना अलग कहलाते हैं। ऐसे ही कुछ अद्भुत शक्तियों वाली एक लड़की के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। इस लड़की में ऐसी सुपर पावर्स हैं जिनके साथ वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर भी पढ़ सकती है। इस लड़की का कहना है कि उसने अपनी देखने की शक्ति पर इतना काबू पा लिया है कि अब वो अपनी तीसरी आंख से पढ़ और देख सकती है। अगर आपको इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है तो आइए आपको इस लड़की और इसकी शक्तियों के बारे में और भी जानकारियों को बताते हैं। हम आपको बता दें कि योग माता के नाम से मशहूर ये लड़की आखिर कौन है। दरअसल ये लड़की नॉर्थ कैरोलिना की रहने वाली और ये इसका दावा है कि वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी तीसरी आंख के जरिए वो सब कुछ देख सकती है। मेडिकल साइंस के पास इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई वजह नहीं है। कई साइंटिस्ट भी अभी भी योग माता के बारे में और जानने के लिए कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन ये सब इस लड़की का टैलेंट ही कहलाएगा जो कि बिना किसी मदद के अपनी आंखों पर मोटी से मोटी पट्टी को बांधकर भी ये देख सकती है और पढ़ भी सकती है। इस लड़की ने इसके लिए भारत में गुरुकुल में एक कोर्स किया है जिसे गुरु नित्यानंद ने करवाया था। इस लड़की के टैलेंट के बारे में जब लोगों को पता चला तो वो सबको लगा कि ये एक धोखा है और ये बच्ची लोगों को केवल मूर्ख बना रही है। लेकिन इस लड़की ने खुद को सच्चा साबित करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रदर्शन सभी लोगों के सामने करके दिखाया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए और उस बच्ची ने अपने आप को झूठा साबित होने से भी बचा लिया। इसके अलावा इस लड़की ने अपने इस टैलेंट को बड़े बड़े सेमिनार में दिखाया और लोगों को हैरान कर दिया। इस बारे में उसकी माँ का कहना है कि उनकी बेटी बहुत सकारात्मक है और उसमें बहुत ही आत्मविश्वास भी है। वो अपने इस टैलेंट के बल पर पढ़ और देख सकती है, वो भी आंखें बंद किए। शुरुआत में हमें भी आप ही की तरह इस बच्ची के इस टैलेंट पर विश्वास नहीं हुआ था,
और लगा था कि ये सब झूठ है, लेकिन अगर देखा जाए तो हिंदू ग्रंथों में इस बात का साफ साफ जिक्र है कि अगर आप अपने मन पर काबू पा लिया और इस विद्या को समझ लिया तो ये अवश्य संभव हो सकता है कि आप आंखें बंद करके देख सकेंगे और इसकी तरह पूरी दुनिया भर में मशहूर हो सकेंगे। वैसे इस लड़की योग माता का टैलेंट वाकई में जोरदार है। आपने बहुत सारे अजूबों के बारे में सुना होगा। आए दिन सोशल मीडिया पर कई तरह के अजीबोगरीब किस्से वायरल होते रहते हैं, जिनमें से कुछ पर यकीन होता है और कुछ पर नहीं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सुपर पावर गर्ल की। जब भी सुपर पावर्स की बात आती है तो हमारे दिमाग में स्पाइडरमैन, सुपरमैन, शक्तिमान जैसे नाम सबसे पहले आते हैं। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि काश हमारे पास भी कोई सुपर पावर होती तो कितना अच्छा होता। इसी बात को लेकर आज हम आपको ऐसा ही एक वाक्या बताया है जिसमें एक छोटी सी बच्ची के पास सच में सुपर पावर है। आज हम आपको उस लड़की के बारे में बताए हैं जो कि लड़की अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर स्पेशल पावर के जरिए कुछ भी पढ़ लेती है। इस बच्ची का कहना है कि उसने अपनी इन शक्तियों से अपनी तीसरी आंख को खोल लिया है और इसी कारण वो आसानी से किसी भी चीज को देख या पढ़ सकती है। इस बच्ची को लोग योग माता कहकर पुकारते हैं और मानते भी हैं कि इसके अंदर कुछ प्राकृतिक दैवीय शक्तियां जरूर हैं। ये लड़की नॉर्थ कैरोलिना में रहती है, जिसका कहना है कि उसे आंखों पर कुछ बांध लेने के बाद भी अपनी तीसरी आंख से दिखाई देता है। इस लड़की ने इसके लिए भारत के गुरुकुल में एक कोर्स किया था। हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि उसने इस चीज के लिए एक कोर्स किया था जिसे कि गुरु नित्यानंद ने करवाया था और उसके टैलेंट को लोगों को जब पता चला तो लोग भी दंग रह गए और लोग इसे महज एक धोखा मानते थे। ये बच्ची सिर्फ लोगों को मूर्ख बना रहती है, जबकि बाद में उसने ऐसा करके दिखाया और अपनी शक्तियों का जब प्रदर्शन किया तो लोग इस बात को सच माने और इस सच्चाई को लोगों के सामने दिखाकर लड़की ने अपने आप को झूठा साबित होने से भी बचा लिया था। आपको भी ये बातें जानकर बहुत ही हैरानी हो रही होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बच्ची में आंख बंद होने के बाद भी पढ़ने की क्षमता जरूर है। या आप यूं कह सकते हैं कि इस बच्ची ने अपने गुरु से आंख बंद होने के बाद भी पढ़ने की विद्या को सलीके से सीखा है। हमारा मानना है कि ये एक प्रकार की ट्रिक है जिसे आप काफी अभ्यास और कुशाग्रता के बाद ही सीख सकते हैं, और आज के समय में इसी की वजह से इस लड़की को कहा जाता है कि इस लड़की के पास तीसरी आंख है, जो कि तीसरी आंख सिर्फ भगवान शंकर के ही पास है। लेकिन ये तीसरी आंख की हमने जो बताया है, ये वो तीसरी आंख है जिसे कि छठे इंद्रिय भी कहते हैं। इस छठे इंद्री को अगर आप जागृत कर सकते हैं तो आप भी ऐसे कारनामे को आसानी से कर सकते हैं।